नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। दैट मीन्स ये जो 7 + 3x है क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉलिनोमियल चेक करनी है कि कौन सी है। आपने ध्यान रखना है कि जिसको फैक्टर बोला है ये तो पॉलिनोमियल है नहीं, ठीक है। पॉलिनोमियल दैट मीन्स हमारी ये है, तो जो फैक्टर होता है उसको हम पुट कर देते हैं 0 के इक्वल। यहां से 3x आ जाएगा हमारे पास -7, इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। नेक्स्ट, अब जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिख देते हैं। px हमें गिवन है 3x³ + 7x, पुट कर दिया हमने 3/x³ की वैल्यू देखो क्या आ रही है, -7/3 क्यूब प्लस 7 × -7/3। पी यहां पे -7/3 पुट कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -7³ मतलब 7 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा -243 डिवाइडेड बाय 3³। 3³ आपका मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा आपका 27। माइनस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -49/3 हमारे पास यहां आ जाएगा। 3 कैंसिल करेगा, 3 × 1 = 3 एंड यहां पे आ जाएगा 9। कैंसिल करने के बाद यह आ गया -243/9 -49/3। अब इसके बाद हम अपने सम को कैसे सॉल्व करेंगे। हां जी, यहां पे 343 आना था मल्टीप्लाई करके, ये 343 एंड देयर इज आल्सो 343, ठीक है। तो 343 और इसको फिर अब सॉल्व करने लगे हैं हम। इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं कि एलसीएम कैसे आएगा। हम यहाँ पे एलसीएम लेने लगे हैं, 9 और 3 का एलसीएम आता है 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा -343 - 49/3 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये कैंसिल होने के बाद 3 एंड 49 × 3 147। एलसीएम मैंने फाइंड आउट करना सिखाया हुआ है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा -490/9 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, क्योंकि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता दैट मीन्स ये फैक्टर होना था, बट ये 0 नहीं आया तो हमारा आएगा नो। ये जो है नो, 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x।